नाश्ता करके आराम से मॉर्निंग बिताए। चलो कल के क्लास थोड़ा हम याद करेंगे क्या क्या हुआ था कल की क्लास में, प्रीवियस क्लास में क्या हुआ था आपको याद है? नहीं, चलो मैं ही बताता हूँ क्या हुआ था, क्या कौन सी लसन था। लसन का नाम था बोलो after
और ये सुलाने के बाद वो सोता था और ये जंगल भाग जाता था और सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग ये पूछता था बोलो प्रॉमिसे अब आपकी कैसी है फॉर्म कैसे है ऐसा पूछने से ये बालू का मतलब टूट खाली लो इसलिए थोड़ा कम था आज का बहुत दर्द है बहुत पेन है ऐसा कहकर लव बालो जंगल जाने फॉरेस्ट जाने समय ये खूब ऊंचा करता ने दौड़ता था उठता था हाँ स्केयर स्कीपिंग करता था जंपिंग करता था सभी घर के मजे से बहुत तो फ्री से हैप्पी से रहता था इसलिए क्या करता था ये बहुत खुश था ये रोज ये जंगल जा रहा था इसके सामने किससे बैठी हुआ है नट खरगोश ये नट खरगोश कौन है रैबिट है बहुत सुंदर है बहुत नटखट भी था ये रैबिट से मिलने से रैबिट पूछा बालू काका राम राम जी मीन्स गुड मॉर्निंग नमस्ते ऐसा बोलने से ये नट खरगोश क्या किया आप कहाँ चल मेरा ही भाई बालू भैया बालू काका ऐसा पूछने से ये बालू काका बोला सारी बात बोला फुल स्टोरी बताया क्या बताया कर मैं कल जंगल जा रहा था तब मैं फास्ट के पाँव पर मेरा पाँव रख दिया इसलिए इंजरी हुआ पाँव को इसलिए उसे अंगूर लाने ग्रेप्स लाने जा रहा हूँ ऐसा कहने से ये नष्ट कर वो सोचा ठीक किया क्या पहले से ये छाता की है इसलिए इसे चोट नहीं लगा ये पालो बहुत बोला वाला है ऐसा समझ कर क्या किया लोग नट खरगोश से बोला क्या काका नट खरगोश बोला काका लोमड़ी को अंगूर की नहीं हाँ डॉक्टर की जरूरत है ये ग्रेप्स का नीड नहीं ये तो उसे नीड है डॉक्टर का वेरी वेरी सिंपल है ये अंगूर की नींद नहीं है ये डॉक्टर की नींद है क्योंकि ये तो इंजरी हुआ है पाँव में इंजरी लग गई इंजरी हुआ है तुम्हें समझ रहे हो ऐसा कहकर ये तो क्या किया किसके पास डॉक्टर की जरूरत है ऐसा कहने से आज इतना ही इतना तक कल के ये स्टोरी था आज है आज की स्टोरी आगे की है चलो अब 40 पेज नंबर मैं पढ़ती हूँ आप सुनो बोला काका बोलू काका डॉक्टर कहाँ मिलेगा नट्टो खरगोश मैं ये डॉक्टर को जानता हूँ वहाँ लोमड़ी की चोट का सही इलाज करेगा तुम मुझे लोमड़ी बोलो काका चलो ले चलता हूँ बोलो काका नट्टू खरगोश को लोमड़ी के पास ले आया खरगोश को देखकर लोमड़ी डर गई अपनी झूठ पकड़े जाने की बात सोचकर कांपने लगी नट्टू खरगोश आगे बढ़कर बोला लगता है लोमड़ी को टट लग गई है देखो कैसे काम रही है बोलो काका अब क्या करना पड़ेगा जी नट्टू खरगोश मैं अभी इसे काले कुत्ते के पास ले जाऊंगा वही इसका सही इलाज हो करेगा काले कुत्ते के नाम सुनते ही लोमड़ी उछली और तेजी से भाग गई बोलो काका तुरंत बोला लोमड़ी की टांग तो ठीक हो गई जी नट्टू खरगोश
उसकी टांग टूटी ही कब थी जी। चलो और एक बार मैं पढ़ूंगी, आप सुनो, ध्यान से सुनो, स्पेलिंग सुनो। बोलो काका, डॉक्टर कहाँ मिलेगा? नट्टू खरगोश, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वहाँ लोग टीके छोड़ का सही इलाज करेगा, तुम मुझे लोग टीके पास ले चलो। बोलो काका, चलो ले चलता हूँ। बोलो काका ಹೊಟ್ಟೆ ಬೀಗಿದೆ, ನೋವಾಗಿದೆ, ಇಂಜುರಿ ವಾ
है। इसका सही इलाज क्या करेगा? सही इलाज ट्रीटमेंट का, और डॉक्टर को, और डॉक्टर है ना, इसलिए सही ट्रीटमेंट देगा इंजरी को। ट्रीटमेंट मीन्स इलाज, इलाज ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट सही ट्रीटमेंट मिलेगा, इलाज मिले करेगा, तुम मुझे लोमड़ी के पास ले चलो। मैं लोमड़ी के पास जाऊंगा, आप ले चलो, चलेंगे लेट्स गो लोमड़ी के पास। एक कौन वाला नट्टू खरगोश बोला, बोलू काका और उसे बोलू काका, चलो ले चलता हूँ, चलो लेट्स गो, मैं लेके जाऊंगा, कम विद मी। बोलू काका किसे बोला? नट्टू खरगोश को बोलो। बोलू काका नट्टू खरगोश को लोमड़ी के पास ले आया। नट्टू खरगोश क्या किया? बालू के साथ फॉक्स के घर गया। फॉक्स कहाँ था? बालू के घर में था। बालू काका नट्टू खरगोश को लोमड़ी के पास गया, आया ले आया। वो आने से खरगोश को देखकर लोमड़ी डर गई। वो खरगोश को रैबिट को देखते ही एक 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 बार डर गई। डर मीन्स फियर।
कालो कुत्ते का नाम सुनते ही लोमड़ी उछली और तेजी से भाग गई। ये क्या हुआ? नाम सुनते ही लिसन टू काली कुत्ते का नेम लेते ही ये लोमड़ी क्या किया? उछली जंपिंग करी बहुत फास्ट रनिंग किया, भागने लगी क्योंकि ये तो मेरी बोली थी, झूठ बोली थी, इसलिए वो क्या किया? भागने लगी, तेजी से भागने लगी। वो किसी भी मिलने नहीं जा सकती। बोलो काका तुरंत बोला, बोलो काका को बहुत गड़बड़ हुआ। ये तो बोला क्या लोमड़ी की टांग टूटी हो गई जी, फॉक्स का लेग बहुत ठीक हुआ है, ये तो सही हुआ है, रियली ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो ठीक हुआ, ये तो कंप्लीटली ऑलराइट, ये तो भागने लगे, ये तो बोला। तब टट्टू खरगोश बोला उसकी टांग तो टूटी ही कब जी। ये टट्टू खरगोश बोला इसकी टांग में तो नथिंग कुछ नहीं हुआ था, ये तो टूटी नहीं ना ब्रेक, ये तो ठीक ही था, ये तो टूटी नहीं था, आपको इतना ही उसका सर्विस किया, ये तो कुछ नहीं था ऐसा। ये कौन बोला? कौन बोला? टट्टू खरगोश बोला। तब वो बालू को समझ में आया। मतलब सरल मीनिंग टट्टू खरगोश हो बालू काका के हेल्थ ये फॉक्स के इंजुरी आगे इदे ग्रेप्स नीडिन आवश्यकते इल्ल, इवरिगे डॉक्टर न आवश्यकते इदे ननगे। हागाद्रे बालू हेल्तु ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಟ್ಟು ಕರ್ಕೋಶ ಹೇಳ್ತು ನನಗೆ ಒಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ಕಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾದ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತು ಮುಜೆ ಲೋಮಡಿಗೆ ಫಾಸ್ಟರ್ ನನಗೆ ಆ ಫಾಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ನರಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗು ಅಂತ. ಆಗ ಬಾಲು ಕಾಕ ಹೇಳ್ತು ಸರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಲೋಮಡಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬೋಲು ಕಾಕ ನಟ್ಟು ಖರಗೋಶನ ಲೋಮಡಿ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು. ಖರಗೋಶ ನೋಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸರಿ ಅದು ಎದುರು ಬಿಡ್ತು, ಯಾರು ಫಾಕ್ಸ್ ಎದುರು ಬಿಡ್ತು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಎದುರು ಬಿಡ್ತು. ಈಗ ಯಾಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ, ನಾನು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಹೆದರಿ ನಡುಕಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಡುಕಷ್ಟು ಖರಗೋಶ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮುಂದೋಯ್ತು. ಸಲ ಮುಂದಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು, ನೋಡ್ರಿ ಬಾಲು ಕಾಕ ಲೋಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಪಾಪ ಎಷ್ಟು ನಡುಕ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವಾಗ ಬಾಲು ಕಾಕ ಮತ್ತೆ ಬೋಲ ಬಾಲ ಏನು ಸೀದಾ ಸಾದ ಅಂಶ ಸೀದಾ ಸಾದ ಕರಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗೇನು ಮಾಡ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅದಷ್ಟು ನಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಟ್ಟು ಖರಗೋಶ ಹೇಳ್ತು ನಾನು ಇನ್ನ ಇಷ್ಟು ನಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋರು ಖಾಲಿ ಕುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಡಾಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಈ ನಡುವುದೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆವಾಗ ಇದು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಆ ಕಾಲಿಗುತ್ತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಫಾಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಆರ್ತಾಕೋ ಒಪ್ಪಳಿಸ್ತಾಕೋ ಇದ್ದಾನೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋ ಎದ್ದೋ ನನಗೆ ಒಂದೆ ಸಹ ಓಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಬೋಲು ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ತು ಏನಂತ ಅಯ್ಯೋ ಲೋಮಡಿ ಟಾಂಗ್ ತೊಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಲೋ ಫಾಕ್ಸಿನ ಕಾಲು ಸರಿಯಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಖುಷಿ. ಆವಾಗ ನಟ್ಟು ಖರಗೋಶ ಹೇಳ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಪೆದ್ದು ಅವನ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಲೋಮಡಿ ಕಾಲು ಮುರಿದಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಮುರಿದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯೋದಕ್ಕೆ
ಅದು ಸರಿಯಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಮೂರ್ತಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಸರಿಯಾಗೋದು, ಮೂರ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸರಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳ್ತು. ಚಲೋ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅದೇ ಏಕ್ ಥೋಡಾ ಸಾ ನಿಮ್ಮ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಪ್ಪ ಏಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಚ್ಚು ಆಪ್ ಆನ್ಸರ್ ದೀಜಿಯೆ ಕೈಸೆ ಚಲೋ ಎಕ್ ಬಾರ್ ಕೊಡಂಗಿ ಅವ್ರ ಎಕ್ ಬಾರ್ ಆಪ್ ದೇಖಿಯೇ.
एक बालू रहता था। सब जानवर उसे बालू काका कहकर कहते थे। बोला बोलो काका सच में बड़ा बोला था। एक दिन वहां कहीं जा रहा था, रास्ते में एक लोमड़ी आ गई। बोलो काका का पैर लोमड़ी के पैर पर पड़ गया। लोमड़ी जोर से चिल्लाई। लोमड़ी हाँ मैं मर गई, मेरा तो है टूट गया। लोमड़ी काका बोलो काका मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर खराब ऐसा नहीं किया, मुझे बहुत दुख है। लोमड़ी आप भी कमाल हो जी, दुख आपको कहाँ हुआ है? वहां तो मुझे हुआ है, मेरी तो टांग बिखार हो गई। लोमड़ी बोलो काका ठीक है जी, बड़ी गलती हुई मुझसे, अब मुझे जो सजा दो गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। लोमड़ी मुझसे चला तो जा नहीं, भला मैं क्या सजा दूंगी, मुझे तो भूखी मरना पड़ेगा, अब मैं खाऊंगी कहाँ से। बोलो काका आप मेरे साथ चलो जी, जब तक आपका पैर नहीं होगा मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। लोमड़ी आपके घर तो अब चलता ही पड़ेगा, मुझे सहारा दो और ले चलो। बोलो काका लोमड़ी को अपने घर ले आया, वहाँ उसकी दिन रात सेवा करने लगा। पहले उसे खिलाता फिर आप खाता, उसके पैर पर पट्टी बांधता, उसे सुलाकर सोता। दिन निकालने पर पूछता अब आपके छोट कैसे हैं जी। लोमड़ी को दर्द देती कल दर्द थोड़ा कम था पर आज फिर बढ़ गया है जी। बाद में जंगल में चला जाता तो खूब उछल कूद मचाती, मजा से एक खेल थी। एक दिन बोलो काका को नट्टू का रोश मिल गया, उसने बोलो काका को राम राम की और बोला नट्टू का रोश अरे बालू काका कहाँ चले? बालू काका मैं लोमड़ी के लिए अंगूर लाने जा रहा हूँ। नट्टू का पर क्यों काका? खरगोश के यहाँ पूछने पर बोलो काका ने उसे सारी बात बता दी। खरगोश बहुत चतुर था, वहाँ लोमड़ी की चालाकी को समझ गया। उसने बोला काका से कहा नट्टू खरगोश काका लोमड़ी को अंगूर की नहीं डॉक्टर की जरूरत है। बोलो काका डॉक्टर कहाँ मिलेगा? नट्टू खरगोश मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वहाँ लोमड़ी की चोट का सही इलाज करेगा, मुझे मुझे लोमड़ी के पास ले चलो। बोलो काका चलो ले चलता हूँ। बोलो काका नट्टू खरगोश को लोमड़ी के पास ले आया। खरगोश को देखकर लोमड़ी कहा डर गई, अपनी झूठ पकड़े जाने की बात सुनकर सोचकर कांपने लगे। जो नट्टू खरगोश आगे बढ़कर बोला लगता है लोमड़ी को ठंड लग गई है, देखो कैसे कांप रही है। बोलो काका अब क्या करना पड़ेगा जी? नट्टू खरगोश मैं अभी इसे काले कुत्ते के पास ले जाऊंगा, वही इसका सही इलाज करेगा। काले कुत्ते के नाम सुनते ही लोमड़ी उछली और तेजी से भाग गई। बोलो काका का तुरंत बोला लोमड़ी की टांग तो ठीक हो गई जी। नट्टू खरगोश उसकी टांग टूटी ही कब थी जी? ये छोटा सदर कभी भी हम झूठ मत बोलना, झूठ बोलने से हम कभी भी गलत नहीं रहते, हिम्मत नहीं रहता है, कभी भी झूठ पकड़ा जा सकता है। इसलिए चिल्ड्रंस हम कभी भी किसी भी थोड़ा सा छोटा का कभी भी हम झूठ नहीं बोलना, कभी भी सच हिम्मत से लेना, तभी मुश्किल होगा ना तो झूठ किसी भी हम तकलीफ मत देना।
खाना देना तकलीफ देने से हमारा ही तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि बाल बहुत सीधा साधा था। बोलो काका बहुत सीधा और सिंपल एक आदमी था। एक नट्टू का वश चतुराई से एक फॉक्स का जोर पकड़ा दिया। इसलिए चतुराई किसी ना किसी तरह से हम जो पकड़ जा सकते हैं, इसलिए जो बोलना किसी को भी हमसे तकलीफ नहीं करना, यही एक लेसन का एक सीख है, एक मॉरल है। चिल्ड्रन अब ये लेसन पढ़ो लिखो, आपको याद करना है, पढ़ना है, लिखना है। चलो आज कल मैं